हेलो फ्रेंड्स, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एकदम नए तरीके से बरवा जुकीनी की सब्जी बनाएंगे। तो बरवा जुकीनी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने एकदम बारीक वाली और एकदम छोटी साइज में जो जुकीनी आती है ना वो लिया है। तो जुकीनी में भी बहुत अलग अलग वेरायटी आती है, लेकिन ये वाली जुकीनी है ना साइज में भी छोटी है और एकदम बारीक वाली है, मतलब एकदम पतली स्किन है। तो ये जुकीनी के ऊपर से हम स्किन बिल्कुल नहीं निकाल लेंगे, दोनों साइड जुकीनी को कट करके बीच में हम कट लगा लेंगे। आप देख सकते हो बीच में बिल्कुल सीड नहीं है। तो लीजिए, हमने 5 जुकीनी को कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए जुकीनी के अंदर भरने के लिए मसाला की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कप काजू लिया है। तो ये काजू को हम खलबट्टे में डाल के क्रश कर लेते हैं। तो सबसे पहले खलबट्टे में हम आधा कप काजू डालेंगे, आप चाहे तो सिंगदाना भी डाल सकते हो। उसके बाद 10 से 15 लहसुन की कली डाल के ये लहसुन एंड काजू को हम क्रश करेंगे। तो इस तरह से क्रश करने के बाद हम ऊपर से 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर डाल के हम अच्छे से चटनी रेडी करेंगे। तो लीजिए, हमारी काजू लहसुन एंड लाल मिर्च पाउडर की चटनी बनके रेडी हो चुकी है। तो ये चटनी हम एक बाउल में ले लेते हैं। तो काजू डालने से सब्जी है ना ज्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना हींग, स्वाद के अनुसार नमक। तो जुकीनी के अंदर भरने के लिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमने जुकीनी को भी बीच में कट लगा लिया है। तो चलिए, ये मसाला हम जुकीनी के अंदर भर लेते हैं। जितना हो सके उतना मसाला हम जुकीनी के अंदर भर लेंगे। तो लीजिए, हमने 5 जुकीनी के अंदर मसाला भर लिया है और एक्स्ट्रा जो मसाला बचा है ना वो जब भी हम सब्जी बनाएंगे ना तब भी हम उसमें डाल देंगे। तो चलिए, जुकीनी की सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में हम भरवा जुकीनी रख देते हैं। उसके बाद ऊपर से हम 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल की मात्रा आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। तो ये कढ़ाई गैस पर रखेंगे, थोड़ी देर हम हाई फ्लेम पर ये जुकीनी को कुक करेंगे। आधे मिनट के लिए मैंने रखा था। तो कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके ये जुकीनी को हम 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 7 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो हमारी आधी जैसी जुकीनी पक चुकी है। तो एक्स्ट्रा जो मसाला था ना वो हम ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद हम ये कढ़ाई के ऊपर हम एक डिश रखेंगे, उसके ऊपर हम पानी डालेंगे। इस तरह से रखने से सब्जी है ना फटाफट गल जाती है और सब्जी भी टेस्टी बनती है। मीडियम फ्लेम पर हम अराउंड 7 से 8 मिनट के लिए जुकीनी को पकने के लिए रख देंगे। 8 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो जुकीनी है ना वो हमारी प्रॉपर पक चुकी है, बिल्कुल कच्ची नहीं है। तो जुकीनी को इस तरह से पलट के प्लेट में हमने जो पानी रखा था ना वो हम सब्जी में डाल देते हैं, क्योंकि ये पानी भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो ये सब्जी अगर आपको रस्से वाली रखना है तो पानी ज्यादा डाले, और कम रखना है तो पानी कम डाल सकते हो। तो कढ़ाई के ऊपर डिश रख के ये सब्जी हम फिर से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। 2 मिनट के बाद देख लेते हैं।
तो लीजिए हमारी भरवा जुकीनी की सब्जी, एकदम अच्छे से पक चुकी है। जुकीनी अच्छी खासी पकी है, बिल्कुल कच्ची नहीं है। ऊपर से फ्रेश धनिया डाल के गर्मा गर्म सब्जी हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो भरवा जुकीनी की सब्जी रोटी के साथ ज्यादा टेस्टी लगेगी, तो मैं ये सब्जी है ना रोटी, राइस, दाल एंड आम रस के साथ सर्व करूंगी। तो आप इस तरह से एकदम नई टेस्टी भरवा जुकीनी की सब्जी बना सकते हो, बहुत टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।